मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव डीएम्स को फोन कर रहे हैं कि जहां बीजेपी हारे वहां पर काउंटिंग स्लो होनी चाहिए। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों का विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद सबकी नजरें 10 मार्च को होने वाली मतगणना पर है, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस संसदीय क्षेत्र यानी बनारस से आते हैं, वहां पर ईवीएम एक जगह से दूसरी जगह लाई जा रही थी, उसको लेकर के हो गया हंगामा। सबसे पहले वो हंगामा देखिए। जैसा कि आपने देखा, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हंगामा कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि ईवीएम कहां ले जाई जा रही है। डीएम कौशल राज शर्मा सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो है यूपी कॉलेज ले जाई जा रही है ताकि प्रशिक्षण दिया जा सके कि काउंटिंग कैसे होती है। रात में अखिलेश यादव नमीदार हुए और उन्होंने कहा कि लखनऊ से सारे डीएम्स को फोन गया है कि जहां जहां बीजेपी हार रही है वहां पे आपको क्या करना है। सुनिए अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं, अचानक आपको बुलाना पड़ गया और ये जानकारी हमारे लोगों को भी नहीं थी कि इस तरह की बात होगी। हालांकि ये सूचना मिल रही थी कि लखनऊ से जो मुख्यमंत्री उनके सबसे बड़े अधिकारी हैं और प्रमुख सचिव का जगह जगह फोन जा रहा है कि जहां भारतीय जनता पार्टी हारे वहां पर काउंटिंग स्लो करिए। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव डीएम्स को फोन कर रहे हैं कि जहां बीजेपी हारे वहां पर काउंटिंग स्लो होनी चाहिए। और यही नहीं, अगर हम पिछला चुनाव देखें तो जो भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, 47 सीटें ऐसी हैं जो 5000 के अंदर कम वोट में हुई हैं। पिछले चुनाव की, जहां पर 5000 वोट के कम फासले से भारतीय जनता पार्टी जीती है। और जो आज देखने को मिला है बनारस में कि जहां ईवीएम ले जाई जा रही थी, एक ट्रक पकड़ा गया, दो ट्रक लेकर के भाग गए। अगर सरकार चोरी नहीं कर रही थी, ये वोट की चोरी जो नहीं कर रही थी, तो कम से कम बताए कि एक गाड़ी रोक ली, पकड़ी गई, लाइव है, अभी भी हम लाइव देख सकते हैं, दो गाड़ियां क्यों भागी अगर कोई चोरी नहीं थी। प्रशासन ने, सिक्योरिटी ने इतना इंतजाम क्यों नहीं किया। इतनी फोर्स है, अभी इलेक्शन की फोर्स गई नहीं है यूपी से, तो आखिरकार अधिकारी क्यों नहीं कर रहे थे। क्या वजह है कि बिना सिक्योरिटी, बिना इतने इंतजाम के ईवीएम जा रही हैं? और ईवीएम के बारे में यह मानना है कि किसी भी वेयर हाउस में रखी हो या किसी भी स्ट्रांग रूम में रखी हो, तो बिना प्रत्याशी के जानकारी के आप मूव नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ईवीएम्स को मूव करना है तो कम से कम जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनकी जानकारी में होना चाहिए। और सोचिए, मुख्यमंत्री आवास से प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री जगह जगह फोन कर रहे हो और डीएम्स को बता रहे हो। ये घबरा गए उसी दिन जिस दिन अखबारों में कुछ जगह आया कि कहीं पार्क की सफाई हो रही है, कहीं घर की सफाई हो रही है। और आप में से वो लोग हैं जो जमीन पर घूमे, जो जमीन पर चुनाव चल रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था, जनता के अंदर नाराजगी थी। जैसा कि आपने सुना, उनका सीधा आरोप है कि कहा ये गया है कि जहां बीजेपी हार रही हो वहां पे काउंटिंग स्लो कर दीजिए, रात तक रिजल्ट आए। अब इसको लेकर के सवाल ये उठता है कि क्या काउंटिंग स्लो हो जाने से हार जीत में बदल जाती है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स से इस पे राय मांगी गई, पूछा गया, लेकिन एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि काउंटिंग स्लो होने से हार जीत में नहीं बदलती है। ये जरूर होता है कि जो कार्यकर्ता हैं या जिन्हें जीतने हारने की उम्मीद है, उनकी उनका जो इंतज़ार है वो बढ़ जाता है, वो थकने लगते हैं।
अदरवाइज आप तेज़ी से काउंटिंग कराइए या स्लो कराइए, बहुत ज़्यादा उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ईवीएम तो वही बोलेगी जो मत पड़े होंगे। अब देखते हैं कि और इस पे लोग क्या कहते हैं। बहुत सारे लोगों को ये तर्क भी गले के नीचे नहीं उतरेगा। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी हार रही है इसलिए ये ब्लेम कर रही है, इसलिए आरोप लगा रही है, लेकिन हकीकत क्या है ये तो जांच पड़ताल के बाद ही पता चलेगा कि जो ईवीएम यूपी कॉलेज ले जाई जा रही थी वाकई में ट्रेनिंग के लिए थी, क्या ये हंगामा जो है वो अनावश्यक हुआ है, और यदि ट्रेनिंग के लिए ले जाई जा रही थी तो फिर अखिलेश यादव का जैसा कि कहना है कि आपने सभी प्रत्याशियों को सूचित क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं किया गया, क्यों उंगली उठाने का मौका दिया गया। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।